कटिंग कर रहे हैं थे, ग्लव्स पहने हुए हैं, सब कुछ वियर किया हुआ है, मास्क क्लियर। वेलकम बैक टू माय पेज। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं बाहर, मतलब एक बार व्यू दिखा दीजिए यहाँ का सारा कि हम लोग, मेरे ऑडियंस गेस कर पाए कि मैं कहाँ पर हूँ। तो ये देखिए गाइस, और ये पीछे मेरे मंदिर देखिए, मंदिर देख के आपको क्या लग रहा है मैं कहाँ हूँ, नेपाल में? नहीं, मैं बता दूँ आपको, मैं आज नेपाल में नहीं हूँ, मैं हूँ दिल्ली में, दिल्ली के अंदर तिब्बतन मार्केट में। आपको यहाँ का कल्चर मतलब हम लोगों ने देखा तो हमें बहुत अच्छा लगा, तो सोचा कि आपको भी ये मार्केट क्यों ना दिखाई जाए। तो अपने दिल्ली में ना हर जगह आपको स्ट्रीट वेंडर्स दिख जाएंगे मोमोज वाले, बट इस मार्केट के अंदर आपको सारे ना लाफिंग वाले मिल जाएंगे, मतलब उस साइड पे और उस साइड पे, हर जगह लाफिंग वाले आपको मिल जाएंगे। मुझे भी नहीं पता कि ये लाफिंग है क्या एक्चुअली, कैसी है, कैसी दिखती है, मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। लाफिंग नाम सुन के ना बड़ी अच्छी सी लग रही है कि मतलब क्या होने वाला है, तो मैंने सोचा कि एक बार ट्राई ज़रूर किया जाए इसको। तो इन मैम से आज हम लोग जो है लाफिंग बनवाने वाले हैं। मैम कौन कौन सी लाफिंग है आपके पास? जी तो वेज नॉन वेज दोनों होते हैं। अच्छा। और वेज में एक वावे वाला होता है और रेगुलर वाला होता है, सोया वाला। अच्छा, तो वेज में इनके पास एक वावे वाला है, एक सोया वाला है, और नॉन वेज में इनके पास चिकन वाला है। हाँ, चिकन वाला है। अच्छा। और ड्राई सूप दोनों होते हैं। अच्छा, ड्राई और सूप बहुत आपको मिल जाएगा, दो मतलब काफी सारी आपको वैरायटीज मिल जाएंगी, बट हम यहाँ पे आज वेज वाला ही ट्राई करने वाले हैं। वेज वाला इसके अंदर कैसे मतलब बनाई कैसे जाती है? वो पहले ऐसा येलो होला है ना, वो अच्छा। मैदा आटा से बनाते हैं, कलर हल्दी से होता है। ये क्या है? वो लाफिंग होता है। अच्छा, ये लाफिंग होती है? और अंदर में ये स्टफिंग डालते हैं ना। अच्छा, अंदर स्टफिंग जाती है इसके। अच्छा, तो गाइस हम लोग ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसे लाफिंग बनाई जाती है, कैसा इसका टेस्ट होता है। तो गाइस हमारी यहाँ पे लाफिंग बननी हो चाहिए चालू, मतलब ये किस चीज से बना हुआ मैम? ये मैदा आटा से बनाते हैं। मैदा और आटा? अच्छा, येलो होला है ना। हाँ, हल्दी से होता है। अच्छा, हल्दी से येलो हो जाता है। तो ये देखिए, नमक है, नमक, अजीनोमोटो। अच्छा, ये गार्लिक पेस्ट होते हैं। गार्लिक पेस्ट, ये देखिए गाइस, स्पाइसी मीडियम है ना? मीडियम स्पाइसी। हाँ, ये होममेड स्पाइसी। और ये क्या है? होममेड स्पाइसी। अच्छा गाइस, घर पे बनाई जाती है ये स्पाइसी, चटनी टाइप्स कह सकते हैं हम लोग अपनी लैंग्वेज में। तो ये ऐसे बनाई जाती है। और ये वाइट वाइट क्या डाला हुआ आपने इसके अंदर? ये वाइट, ये तिल है ना? तिल। अच्छा, तो कुछ डिफरेंट सा मिलने वाला है आज हमें यहाँ पे, मतलब अच्छे से मिक्स करना। ये गाइस अच्छे से मिक्स कर दिया। और हम लोग यहाँ वेज वाली नहीं, नॉन वेज वाली ट्राई करते हैं। और ये है नॉन वेज चिकन। और ये देखिए, ये चिकन की स्टफिंग आ गई। और ये वाई वाई, जो हम मैगी खाते हैं ना यहाँ तिब्बत में, मतलब वाई वाई चलती है। तो ये देखिए, बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे ये तो चीज़ बनाई जा रही है। और ये कटिंग कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, मतलब क्रिस्पी सा लग रहा है मुझे यहाँ पे कुछ ना। और ये देखिए, ये बाउल, मतलब फुल हाइजीन के साथ काम हो रहा है यहाँ पे, मैंने देखा। अच्छे से ग्लव्स पहने हुए हैं, सब कुछ वियर किया हुआ है, मास्क वियर किया हुआ है, एकदम अच्छे हाइजीन के साथ काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए, हमारी ये गाइस तैयार हो चुकी है लाफिंग, अबे लाफिंग आ चुकी है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी लग रही है ये, थोड़ा ऊपर से थोड़ा जेली टाइप्स वाला फील आता है और अंदर से क्रंच आ रहा है एक ना। तो ट्राई करते हैं फटाफट इसको, कुछ डिफरेंट आज ट्राई करने वाले हैं स्ट्रीट फूड में ना। और ये बहुत फेमस, मैम बहुत फेमस स्ट्रीट फूड है मैंने सुना है तिब्बत का। हाँ जी, हाँ जी, है ना। ये अंदर खुलना मत, खुल, ये अपने आप खुल गया, रुको। अच्छा, तो यहाँ मेरे को स्टफिंग के साथ ही अच्छे से खाना है, एक पूरा बाइट लो। ओ, बहुत स्लिपरी है ये। तो गाइस ये सबसे पहले थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी है, मैंने यहाँ पे मीडियम रखवाया था, तो भी आप उसके हिसाब से खाना अगर आप पाओगे तो। और जो बाहर ये जो कवरिंग है ना, मतलब वो जेली टाइप वाली फील दे रही है, मतलब एकदम जेली जेली सा लग रहा है। और अंदर जो वाई वाई का बहुत अच्छा क्रंच आ रहा है, चिकन का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और गार्लिक का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। इनमें जो गार्लिक, जो क्या था वो गार्लिक, गार्लिक पेस्ट जो था ना, उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, मतलब मैं इसको रेट करना चाहूँगी
4.5 आउट ऑफ 5, मतलब मुझे काफी अच्छा लगा ये टेस्ट में। और ये 90 रुपीज की प्लेट है, वर्थ इट है, एक ट्राई तो बनता है, मेरे को काफी अच्छी लगी। तो हम लोग लोकेशन आज बता देते, हम लोग कहाँ आए हुए हैं। अच्छा, जो मशनू का टीला है ना, उसके टेंपल के साइड में है, कॉर्नर पे। अच्छा, हाँ जी। तो गाइस, आप मशनू का टीला गेट नंबर 1 से एंटर करेंगे तो आपको पीछे ये मंदिर दिख जाएगा, टेंपल दिख जाएगा। उसके जस्ट सामने ये मैम जो है अपना छोटा सा कार्ट लगाती है। मैम, कार्ट का नाम क्या है आपकी? आमा पेमा लाफिंग कॉर्नर। ओके, तो गाइज आप लोग आके ट्राई कर सकते हैं इनकी लाफिंग, और बहुत सारी अलग अलग आपको वैरायटी मिल जाएगी लाफिंग के अंदर भी, काफ़ी टेस्टी है, एक बार ट्राई करना ज़रूर बनता है। और अगर आप लोगों ने पहले लाफिंग ट्राई की हुई है ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अभी हम लोग चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।